Assalamualaikum, good morning guys. तो आज day 6 है, मुझे US में वापस जा रहा हूँ कनाडा। ब्रेकफास्ट करने लगा था, मैकडोनल्ड रुका था, ब्रेकफास्ट कर लूँ फिर आगे कहानी सुनाता हूँ आपको। क्या सीन है, आज मुझे जो बॉर्डर क्रॉस करना है वो विंडसर है। कंपनी से कॉल आई है ऊपर से कि आपको ये लोड विंडसर में डिलीवर करके आना है। इसकी रीजन ये है कि जो विंडसर है वो बॉर्डर के बिल्कुल साथ में है, लेकिन जो मेरा यार्ड है वो विंडसर से आगे 3.5 घंटे है। इस वजह से मुझे डिलीवर करके फिर आगे जाना है। मैं ब्रेकफास्ट कर लूँ और फिर ट्रिप करते हैं कंटिन्यू। ठीक है, तो मैं काफी साथ में ले आया था, मैंने कहा अपने ट्रक में जाके मजे से पीते हैं। जैकेट मैंने आज इस वजह से पहनी है, बहुत ज्यादा सर्दी है यहाँ पे इलिनॉइस में मैं इस टाइम। तो गाइस यहाँ से जो मेरी डिलीवरी है वो 6 घंटे की ड्राइव है यहाँ से। अब 6 घंटे कोई ब्रेक नहीं कर रही, कॉफी भी ले ली। मुझे एक डॉक्यूमेंट प्रिंट करवाना है, वो बिल्कुल बॉर्डर के पास जाके करवाऊंगा, लव्स के ट्रक स्टॉप पे। ये अपना रिफर है, सारा कुछ ओके है, तो चलते हैं अपनी ड्राइव करते हैं स्टार्ट। तो मैं जाके आपको मिलता हूँ नेक्स्ट स्टॉप पे। जी गाइस, तो मैं यहाँ रुका था, यहाँ से बॉर्डर की 45 मिनट की ड्राइव रह गई है। गाइस ये देख रहे हैं ट्रक स्टॉप इतना बिजी क्यों है, ये आखिरी ट्रक स्टॉप है, इसके बाद आगे बॉर्डर आ जाता है। और यहाँ से जो बॉर्डर की ड्राइव है वो 45 मिनट की है। काफी भाई यहाँ रुक के ब्रेक करते हैं, जो कैनेडा से US आ रहे होते हैं वो यहाँ पे आके ब्रेक करते हैं, और जो US से वापस कैनेडा जा रहे होते हैं वो भी यहाँ रुकते हैं, ब्रेक करते हैं, क्योंकि आगे फिर 4-1 घंटे की ड्राइव रह जाती है मिसिसागा टोरंटो की। तो ये भाई फ्यूल अप कर रहे हैं, कोई ब्रेक कर रहे हैं। मैंने अपना डॉक्यूमेंट्स प्रिंट करवा लिया था। बादल देख रहे हो, आज तबाही के बादल हैं, तो सर्दी भी बहुत ज़्यादा है। ये मैकेनिक शॉप है, ये जो ट्रक है ना इसको पिक्का भी बोलते हैं और ट्रक भी कह देते हैं। ये सर्विस कॉल जिसके ऊपर आते हैं ना लव्स वाले, ये उनका ट्रक है। Hello officer, how are you doing? Good, thanks. Where do you live? I live in London, Ontario. How long have you been there? 6 days. Good day. Thank you, officer. तो गाइस ये मैं रिफर ऑन करने गया था, आपको जाके मिलता हूँ रिव्यू क्वेश्चन पे।
जी गाइस, तो आज आपने विंडसर बॉर्डर भी देख लिया, आगे आपने मेरे ब्लॉग में सारनिया बॉर्डर देखा था। इस ब्रिज का नाम बेस्टर ब्रिज था और जो सारनिया वाला बॉर्डर है उसका नाम ब्लू वाटर ब्रिज है। जब मैं यूएस जाता हूँ तो मैं सारनिया वाला बॉर्डर यूज करता हूँ और जब यूएस से वापस आता हूँ तो विंडसर बॉर्डर ज्यादातर यूज करता हूँ। पीछे डिलीवरी हो रही है तो अभी तक डन नहीं हुई। 3.5 घंटे की यहाँ से ड्राइव है मेरे यार्ड की, इंशाल्लाह 3.5 घंटे में अपने यार्ड में पहुंच चुका। आज 6 दिन बाद आपका भाई वापस आया कनाडा में, एक्साइटेड हूँ। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। गाइस ग्रीन लाइट हो चुकी है, ट्रेलर एम्प्टी हो गया।